116वें करपात्र प्राकट्योत्सव पर इस वर्ष 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ में इस वर्ष 116वें करपात्र प्राकट्योत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विद्वत सत्कार के अलावा रामकथा, करपात्र दीपावली, बसंत पूजन, गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक जैसे विविध आयोजन के जरिए करपात्री जी महाराज का पुण्य स्मरण होगा। ये बातें रविवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ मणि मंदिर में धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि इस बार 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मुख्य आयोजन होंगे, जिसमें प्रथम दिवस 16 अगस्त को स्कूली बच्चों की लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता होगी। दूसरे दिन 17 अगस्त को करपात्र दीपावली का आयोजन होगा, जिसमें करपात्री जी महाराज के प्रकट हुए दिन के बराबर दीपदान किया जाएगा। तीसरे दिन 18 अगस्त को प्राकट्य दिवस के अवसर पर करपात्र रत्न अलंकरण समारोह आयोजित होगा। चौथे दिन 19 अगस्त को वैदिक विद्वानों द्वारा बसंत पूजन का आयोजन होगा। आयोजन के पांचवें दिन धर्मसंघ पीठाधीश्वर के नेतृत्व में 20 अगस्त को प्रातःकाल भव्य गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम होता है 116वां वर्ष का, ये करपात रत्न का 1,00,000 पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराज जी के 5 दिवसीय कार्यक्रम है। पहला दिन बच्चों का, स्कूलियों का, अपने उनका ससरात है, उनमें उनका पुरस्कृत किया गया है। दूसरे दिन धर्म समर्थ स्वामी करपात्री जी महाराज के करपात दीपावली मनाते हैं हम लोग, उसका किया गया है। 42,300 तीन दिन का वो जो जितने दिन के महाराज उतने दीप हम लगाते हैं। और फिर करपात रत्न के 18 तारीख कार्यक्रम है, 1,00,000 के जो पुरस्कार दिया जाता है, 21,000 का दिया जाता है, 11,000 का दिया जाता है, जो भी संस्कृत के आजीवन सेवा किए हों, जिनका योगदान हो भारत माता का प्रति, उनको दिया जाता है, कई लोगों को दिया जाता है। और 19 तारीख को फिर ये बसंत पूजा है, वैदिकों का सम्मान है। 20 तारीख को कतेश्वर भगवान के जलाभिषेक का कार्यक्रम है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, गंगा स्नान करके फिर यहाँ चलेंगे, उसमें नाम दिया जाता है।